हेलो फ्रेंड्स, लेट्स ट्यूट में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। हमारी वेबसाइट पे अकाउंटेंसी के कोर्सेज है, जिसमें से बहुत सारे कोर्सेज फ्री में भी अवेलेबल है। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.letstudy.com पर विजिट करें। इस सेशन में हम प्रोविजंस और रिजर्व्स के बारे में बात करेंगे। आपने कभी इन टर्म्स के बारे में सुना है? वैसे दोस्तों, ये कोई नए टर्म्स नहीं है हमारे लिए। हम इन टर्म्स को बड़ी ही आसानी से रिलेट कर सकते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। हमारे घर में हमारी माँ घर के सारे एक्सपेंसेस मैनेज करती है। चलिए दोस्तों, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक घर की एक महीने की इनकम 30,000 है, तो एक माँ कितना अमाउंट यूज करेगी उस अमाउंट में से, कितना वो स्पेंड करेगी उस अमाउंट में से, और कितना वो सेव कर पाएगी उस अमाउंट में से। तो दोस्तों, सबसे पहले तो वो कुछ अमाउंट साइड पर रखेगी फिक्स एक्सपेंसेस के लिए, जैसे कि ग्रोसरीज लाने के लिए, घर के बिल्स के लिए, लॉन्ड्री के लिए, बच्चों के स्कूल्स के फीस के लिए। ग्रोसरीज और घर के बिल के अमाउंट हमेशा बदलते रहते हैं, पर रिलेटेड अमाउंट ही होते हैं, तो इस वजह से वो एस्टिमेटेड अमाउंट साइड पर रख देती है। यहाँ हमारे इस एग्जाम्पल में हम 20,000 एस्टिमेट करके साइड पर रखते हैं। फिक्स एक्सपेंस हमेशा होते हैं, चाहे घर की इनकम बदले या कम हो जाए। फिक्स एक्सपेंसेस और इनकम का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है। हमें हमेशा फिक्स एक्सपेंसेस के लिए रखे गए अमाउंट को हैंडी रखना चाहिए, कहीं लॉक करके नहीं रखना चाहिए या कहीं लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। चलिए दोस्तों, ये तो हुई फिक्स एक्सपेंस के लिए रखे गए अमाउंट की बात। अब हम बात करते हैं बैलेंस 10,000 की। तो बताइए दोस्तों, ये बैलेंस अमाउंट कैसे यूज होगा? वो उस अमाउंट को सेव करेगी ताकि कभी भी फ्यूचर में कोई इमरजेंसी आ जाए, जैसे कि कोई मेडिकल एक्सपेंस करना पड़े या फिर कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो वो अमाउंट काम आ जाएगी। या फिर वो अमाउंट दूसरी चीज़ों के लिए सेव करेगी, जैसे कि नया घर लेना है या कोई और बड़ा एक्सपेंस सडनली आ जाए, तो वो अमाउंट उसमें यूज़ कर सकती है। ये एक्सपेंसेस फिक्स नहीं होते हैं, कभी भी सडनली होते हैं, इसीलिए इन एक्सपेंसेस के लिए कोई फिक्स्ड अमाउंट साइड पर रखना पॉसिबल नहीं होता है। सारे फिक्स्ड एक्सपेंस हो जाने के बाद जो अमाउंट बैलेंस होता है, उसी अमाउंट को ऐसे सडन एक्सपेंसेस के लिए सेव करते हैं। और अगर कोई एक्सपेंसेस प्रायोरिटी ना हो, मतलब वो एक्सपेंसेस करना ज़रूरी नहीं है, तो वो एक्सपेंस ना करके भी सेविंग करते हैं। ज़रूरी नहीं होता है कि सारे अमाउंट स्पेंड हो गई हो, इसीलिए जो भी अमाउंट सेव होती है उसे लॉक करके या कहीं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर दे। दोस्तों, इस तरह से एक माँ घर का एक्सपेंसेस मैनेज करती है, सेविंग्स करती है। तो बताइए दोस्तों, माँ सबसे बेस्ट अकाउंटेंट है ना? हम दुनिया के सारे मदर्स को सल्यूट करते हैं। हम बहुत कुछ सीख सकते हैं माँ से, अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें कि माँ लिमिटेड इनकम से घर के एक्सपेंसेस मैनेज करके सेविंग कैसे करती है। उसी तरह बिजनेस को भी मैनेज करना पड़ता है, उसके एक्सपेंसेस एंड सेविंग्स। बिजनेस में भी कुछ एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस होते हैं और अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस या लॉसेस भी होते हैं, राइट दोस्तों? तो चलिए दोस्तों, सोच के बताइए ऐसे ही कुछ एक्सपेंसेस बिजनेस के। हाँ, बिजनेस के कुछ एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि टैक्स, बैड डेट्स, डिप्रिसिएशन, ग्रेच्युटी एक्सेट्रा। और कुछ अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस भी होते हैं, जैसे कि एक्सीडेंट्स, इंसिडेंट्स या कोई भी प्रोडक्ट आउटडेटेड हो सकता है, कभी भी अनएक्सपेक्टेड टैक्स क्लेम भी हो सकता है, या फिर कंपनी अपने ऑफिस को एक्सपांड करना चाहती है, एक्सेट्रा। दोस्तों, बिजनेस में जो अमाउंट साइड पर रखते हैं एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस या लॉसेस के लिए, उसे प्रोविजंस कहा जाता है। और जो अमाउंट अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस और लॉसेस के लिए साइड पर रखा जाता है, उसे रिजर्व्स कहा जाता है। तो दोस्तों, ये थी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोविजंस और रिजर्व्स की। तो चलिए दोस्तों, अब हम कुछ और पॉइंट्स देखते हैं जो प्रोविजंस और रिजर्व्स के बारे में है। प्रोविजंस प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने से पहले ही बनाए जाते हैं। प्रोविजंस प्रॉफिट या लॉस पर डिपेंड नहीं करते हैं, क्योंकि जो एक्सपेंसेस एक्सपेक्टेड होते हैं उसी के लिए प्रोविजंस बनाए जाते हैं। रिजर्व्स हमेशा प्रॉफिट या लॉस के बाद ही बनाए जाते हैं। रिजर्व्स प्रॉफिट पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि वो एक्सेस प्रॉफिट में से बनाए जाते हैं, इसीलिए अगर बिजनेस में कभी लॉस होता है तो हम शायद रिजर्व्स ना बनाएं। प्रोविजंस लीगल कंपल्शन की वजह से बनाए जाते हैं। रिजर्व सेफ्टी या प्रूडेंस के लिए बनाए जाते हैं।
प्रोविजंस को रिजर्व्स में ट्रांसफ़र करना प्रेफरेबल नहीं होता है, और अगर कभी बिजनेस में कोई नीड हो या फिर प्रोविजंस की अमाउंट कम है तो रिजर्व से अमाउंट प्रोविजन में ट्रांसफ़र की जा सकती है। चलिए दोस्तों, अब हम रिजर्व्स के टाइप्स को देखते हैं। रिजर्व्स के 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट रिजर्व है रेवेन्यू रिजर्व, सेकंड रिजर्व है कैपिटल रिजर्व, और थर्ड रिजर्व है एक सीक्रेट रिजर्व। चलिए दोस्तों, तो अब हम रेवेन्यू रिजर्व देखते हैं। रेवेन्यू रिजर्व सिर्फ वो प्रॉफिट से बनाए जाते हैं जो डे टू डे बिजनेस की नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज और ट्रेडिंग एक्टिविटीज से अर्न किए जाते हैं। रेवेन्यू रिजर्व 2 पर्पस के लिए बनाए जाते हैं, स्पेसिफिक या जनरल पर्पस। स्पेसिफिक पर्पस के लिए स्पेसिफिक रिजर्व बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्पेसिफिक रिजर्व एम्प्लॉय की बेनिफिट के लिए बनाया गया है तो उस स्पेसिफिक रिजर्व का अमाउंट स्ट्रिक्टली सिर्फ वही स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज होगा। जनरल पर्पस के लिए जनरल रिजर्व बनाया जाता है। जनरल रिजर्व का अमाउंट फ्यूचर की मल्टीपल नीड्स में यूज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए उसे यूज किया जाता है, या फिर कोई एक्सीडेंटल लॉस हुआ है बिजनेस में, या फिर कोई और रीज़न हो तो भी जनरल रिजर्व यूज़ किया जा सकता है। जनरल रिजर्व को फ्री रिजर्व भी कहा जाता है क्योंकि वो फ्रीली अवेलेबल होते हैं हर टाइप के फ्यूचर नीड्स के लिए। कैपिटल रिजर्व हमेशा कैपिटल प्रॉफिट से ही बनाए जाते हैं। कैपिटल प्रॉफिट वो प्रॉफिट होते हैं जो जनरली फिक्स्ड एसेट के सेल से अर्न किए जाते हैं। कैपिटल रिजर्व्स नॉर्मली लॉन्ग टर्म कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, नई बिल्डिंग खरीदने के लिए, नया प्रोडक्शन फैसिलिटी बनाने के लिए, या फिर कभी भी एसेट सेल करने पर लॉस हुआ तो उसके लिए भी यूज़ किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम थर्ड टाइप के रिजर्व के बारे में जानते हैं। तो बताइए दोस्तों, आपको क्या लगता है कि सीक्रेट रिजर्व क्या हो सकता है? अच्छा दोस्तों, आपको वो पुराने दिन याद है जब हमारे पेरेंट्स हमें कुछ मनी दिया करते थे? जब हम स्कूल जाते थे, हम वो मनी छुपा देते थे सबकी नज़रों से दूर, ताकि हम उसको बाद में यूज़ कर सके किसी और काम के लिए। तो बस इसी तरह कुछ बिजनेस ज़्यादा कंजर्वेटिव होके हिडन रिजर्व्स बनाते हैं, पर ये रिजर्व्स बनाते टाइम वो पूरा ध्यान भी रखते हैं कि वो कोई स्टैट्यूटरी प्रोविजन या लॉस को ब्रेक ना करे और सारे रूल्स फॉलो करे। हिडन रिजर्व बनाए जाते हैं एक्सेस डेप्रिसिएशन दिखा के, या प्रोविजन बना के, या फिर लाइबिलिटीज को ओवर वैल्यू करके। इस तरह के हिडन रिजर्व को सीक्रेट रिजर्व कहा जाता है। इस तरह के रिजर्व हाई रिस्क लेने वाले सेक्टर्स बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल बैंक और इंश्योरेंस कंपनीज। प्रोविजंस और रिजर्व्स हर कंपनी के अलग अलग होते हैं, वो हर कंपनी के पर्सपेक्टिव पर डिपेंड करते हैं, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू पर और कंपनी के नीड पर डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ कंपनीज अपने गुड्स क्रेडिट पर ज़्यादा सेल करती है तो उन्हें सबसे ज़्यादा बैड डेट्स का रिस्क होता है, तो इसी वजह से उन्हें बैड डेट के लिए प्रोविजन बनाना पड़ता है। पर कुछ कंपनीज ऐसी भी होती है जो मोस्ट ऑफ द गुड्स कैश बेसिस पर सेल करती है, तो बैड डेट्स का रिस्क उन कंपनीज को कम होता है, तो इसी वजह से वो बैड डेट के लिए प्रोविजन नहीं, रिजर्व्स बनाएगी। तो दोस्तों, आई होप कि आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। दोस्तों, हमारी माँ जिस तरह घर के बजट का ख्याल रखती है, उन्हें ऑब्जर्व करके हम और कुछ बहुत सीख सकते हैं प्रोविजंस और रिजर्व्स के बारे में। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारे प्रोविजंस और रिजर्व ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। तो इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू।